नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल रंगीन रहें, रोड टू सक्सेस है, रोड टू स्टार्ट। दोस्तों, आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है। आप लोगों के प्यार की वजह से मैं आज आपके सामने हूं। दोस्तों, बहुत से लोगों ने मुझे DMs भी किए, ये भी कहा है, उन्होंने कहा है कि गत सालों के यानी पहले के जो कलाकार थे उनके बारे में कुछ बताइए। उनको जानने में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो कितने स्ट्रगल करके आगे बढ़े थे। वैसे ही आज किसी एक विलन का नाम आया है। वो विलन का नाम है मुझे जीवन कहते हैं, ऐसा कहने वाले जीवन जी के बारे में बहुत से लोगों ने जानना चाहा है। ऐसे तो प्राण साहब के लिए भी बहुत से लोगों ने चाहा है, तो प्राण साहब के लिए भी मैं बताऊँगा। दोस्तों, जीवन जी ऐसे कलाकार थे, कश्मीर के रहने वाले थे। उनके पुत्र किरण कुमार भी बाद में फिल्मों में आए, लेकिन जीवन जी के बारे में बताऊंगा। वो विलन कैसे थे, वो उस वक्त के बड़े बड़े स्टारों के साथ, दिलीप कुमार, देवानंद साहब, बहुतों के साथ वो आए थे, लेकिन वो अपनी अलग छाप छोड़ गए थे। वो ऐसी अमिट छाप छोड़ जाते थे कि सब लोग विलन को देखने के लिए उस फिल्म में जाते थे, वो फिल्म देखने जाते थे। दोस्तों, ऐसी ही कुछ बात है प्राण साहब के बारे में भी कि वो एक्टर से यानी जो हीरो थे उनसे भी ज़्यादा फीस लेते थे। ऐसे ही जीवन जी के बारे में मैं कुछ बताऊंगा। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, जो नए आए हैं उनका भी स्वागत करता हूं। मेरा जो लोगो आ रहा है उसे भी आप बाजू में जो लाल बटन है दबा दीजिए। उससे क्या होगा कि आपको सबसे पहले मेरे वीडियोज़ देखने मिलेंगे। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू। दोस्तों, जीवन जी के बारे में कुछ बताऊंगा। 24 अक्टूबर 1915 में कश्मीर में जन्मे थे ये ओमकारनाथ जी, यानी कि जीवन जी। जीवन जी जब जन्मे उसके थोड़े ही दिनों में उनकी मदर की मृत्यु हो गई और 3 साल के जब थे तब पिताजी भी ऑफ हो गए, तो उनको पालने के लिए उनके चाचा ही थे। चाचा ने उन्हें पाला, कश्मीर में थे वो। कश्मीर से जब उन्होंने सोचा कि मुझे एक्टिंग करनी है, एक्टिंग का बहुत शौक था, तो जेब में सिर्फ 26 रुपये लेके वो वहाँ से निकल चुके थे। वहाँ से निकले, लेकिन आने के बाद तो जब मुंबई में आए तब उन्हें पता चला कि ये तो बहुत कठिन रास्ते हैं, कठिन सड़क है, कठिन डगर है पनघट की। वैसे ही शुरू हुआ तो उन्होंने एकदम निचले स्तर से यानी कि स्पोर्ट बॉय का काम शुरू किया। स्पोर्ट बॉय के काम में क्या होता है, पानी पिलाना, चाय पिलाना, सबको, एक्टरों को सब कुछ काम करना पड़ता है, झाड़ू लगाना, सब कुछ। लेकिन उनके मन में जो ठानी थी वो उन्हें पूरा करना था, लेकिन उनकी यूनिक बोलने की अलग स्टाइल थी जिसकी वजह से उन्हें काम मिलने लगा, छोटे छोटे रोल मिलने लगे, बहुत कुछ छोटे छोटे रोल मिले। लेकिन फैशनेबल इंडिया नाम की एक फिल्म आई थी, उसकी वजह से वो बहुत ही लाइमलाइट में आ गए। उसके बाद तो उन्होंने बहुत सी फिल्में की, बहुत से फिल्मों के काम मिले, और यो जो उनकी यूनिक स्टाइल थी बोलने की वो सबसे अलग थी, अब तक किसी कैरेक्टर में ऐसा कुछ आया नहीं था। तो ये होता था तो पब्लिक का ध्यान तुरंत उनकी तरफ जाता था। तो दोस्तों, उन्होंने तो बहुत सी फिल्में की, दिल ने फिर याद किया, कोहिनूर, हीर रांझा, लावारिस, अमर अकबर एंथनी, धर्मवीर, बहुत सी फिल्में की। उसमें कोहिनूर में जो कैरेक्टर था उनका, तो वो एकदम लाजवाब था। वो जो उनकी स्टाइल थी बोलने की स्टाइल थी, हाँ 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 मैं जीवन हूँ, ये जो स्टाइल उनकी जो फेमस हो गई, ये जो फिल्मों में उन्होंने काम किया, तो उनके सामने बड़े बड़े कलाकार थे। कोहिनूर में तो दिलीप साहब थे जो कि ट्रेजेडी किंग थे और स्टार के सुपरस्टार जैसे थे, तो उनके सामने उन्होंने टक्कर दी। उसके बाद अमिताभ बच्चन के साथ भी लावारिस में भी काम किया, अमर अकबर एंथनी में भी काम किया, धर्मवीर में भी काम किया, धर्मेंद्र जी के सामने। लेकिन वो जो काम करते थे छा जाते थे, और वो छोटा सा भी कैरेक्टर छा जाता था। बहुत बार ऐसा हुआ है कि उनकी वजह से बहुत सी फिल्में चली हैं। दोस्तों, ऐसा ही होता था, महमूद साहब ये जो कॉमेडियन होते या तो फिर जो अलग हटके होते उनकी वजह से फिल्में चलती थी। महमूद साहब के लिए भी कहूँगा कि वो भी हीरो से ज़्यादा फीस लेते थे। उसके बाद प्राण साहब जो विलन थे, ये जीवन साहब भी तो विलन का ही काम करते थे, लेकिन प्राण साहब जो विलन थे, विलन का काम करते थे, वो भी हीरो से ज़्यादा फीस लेते थे। वैसे ही ये जीवन साहब भी थे, उन्होंने भी बहुत काम किया, बहुत अच्छा काम किया, और हीरो से ज़्यादा वो पैसे लेते थे। दोस्तों, ऐसा हुआ 50 और 60 के दशक में जब धार्मिक फिल्में आने लगी थी, तो उनमें उन्होंने नारद मुनि का जो काम किया, और वो टिपिकल जो बोलते थे, जैसे
ना हाँ हाँ नारायण नारायण ऐसे जो बोलते थे तो पब्लिक समझ जाती थी, यानी पब्लिक सुन सुन के इतना वो समझ जाती थी कि उसके सिवा कोई नारायण या तो नारद बन ही नहीं सकता। तो उन्होंने 61 बार उन्होंने नारद मुनि का काम किया। तो लिम्का वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड्स बुक में उनका नाम भी दर्ज है, और जब तक जिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद उनके बेटे भी आए फिल्मों में, किरण कुमार, जंगल में मंगल, ये से बहुत सी फिल्में की, लेकिन वो भी कुछ चल नहीं पाए। लेकिन बाद में उन्होंने भी, किरण कुमार साहब ने भी नेगेटिव रोल करना शुरू किया। यानी नेगेटिव में जो आदमी अपना सब कुछ बता सकता है वो किसी में नहीं बता सकता, क्योंकि नेगेटिव में लाउड भी हो सकते हो, कॉमेडी में जैसे लाउड हो सकते हो, और हीरो के उसमें क्या होता है कि लिमिटेड, उस इतने ही उसमें आपको एक्सप्रेशन देने हैं, ज़्यादा लाउड हो नहीं सकते। तो विलन को तो कितना भी गुखार दिखाओ ये मतलब छा जाते हैं और वो लाउड कर सकते हैं। तो दोस्तों यही कुछ स्टाइल थी उनकी। तो जीवन एक अमर बन गए, अमर जीवन जी गए, और बहुत अच्छे कलाकार थे वो। कैंसर की वजह से वो 10 जून 1987 में ये दुनिया छोड़ के चले गए। ये बहुत ही अधेरे यानी बहुत ही अच्छे इंसान थे। तो दोस्तों ऐसे ही कुछ बताते रहूँगा। बहुत से लोगों ने आज भी मुझे लिखा है कि प्राण साहब के बारे में बताइए, उनकी जीवनी के बारे में बताइए, किरण कुमार सुमार साहब के जो भी विलन थे उनके बारे में भी बताइए। तो दोस्तों यही होता है, लेकिन जो करके गए वो आज भी पब्लिक याद रखती है। कोहिनूर फिल्म देख लीजिए, या तो फिर धर्मवीर देख लीजिए, दिल ने फिर याद किया फिल्म देख लीजिए। दोस्तों ये दिल को छूने वाली फिल्में थी, तो उसमें जो उनका काम था वो बहुत दिल को छूने वाला था। तो दोस्तों मिलते हैं कभी। नारायण नारायण, नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, आई लव यू फ्रेंड्स। मिलते हैं नए वीडियो में, ऐसे ही आपका दोस्त आपका होस्ट विपिन कुमार।